मेरा ये सवाल था कि आपने जैसे फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब किया कि जॉब है या कमाना है तो उसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या उसे हमें यानी अपने नीड्स के हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं या आप कमा रहे हैं तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज भी इतनी सारी हैं कि उसके लिए आपको टाइम जॉब को टाइम देना है। ऐसे कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए हमें कि जैसे आपने कहा कि तो यहाँ पे यानी जॉब हमारे लिए एक तरह से मजबूरी भी हो जाती है कि हमें हर टाइम हर हाल में टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। जी, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बस इसमें ये देखना है कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत का नाम है पैसा, हमारी ज़िंदगी की एक और ज़रूरत का नाम है मोहब्बत। इन दोनों में अगर हमारे पास पैसे की कमी हो तो जो मसाइल पैदा होंगे वो किस तरह के होंगे, और अगर मोहब्बत की कमी हो तो जो मसाइल पैदा होंगे वो किस तरह के होंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पैसे की कमी से जो मसाइल पैदा होंगे वो बहुत छोटे हैं, मोहब्बत की कमी से जो मसाइल पैदा होंगे वो बहुत बड़े हैं। ये बात समझ आ रही है? नहीं, एक बंदा वो है जो जिसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है और उसने जॉब को लाइफ में प्रायोरिटी भी बनाया है, जॉब ही को अपनी असल जिम्मेदारी समझता है, पैसा कमाना और पैसे ही को अपनी सबसे बड़ी नीड समझता है। तो इसके पास अगर कभी इत्तफाक से टाइम मिलेगा भी ना तो वो उस टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन एक और बंदा है जिसको ये पता है कि मेरी फैमिली की असल ज़रूरत मोहब्बत और ताल्लुक है, पैसा भी एक नीड है लेकिन पैसा तीसरे चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे कुछ और है। बल्कि अगर मैं नीड्स बताऊं तो पता लगेगा वो मैं 10वें नंबर पे ले जाऊंगा पैसे को, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बात इस पर कर नहीं रहा। लेकिन मतलब हमारी पहल मतलब इल्म है, अखलाक है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, ये सब हमारी पहली ज़रूरतें हैं ना। तो फिर वो आदमी जिसको ये पता है ना कि मैं ये नीड है, तो फिर वो केयरफुल होगा। यानी आप थोड़ी देर के लिए भी अगर वो आएंगे तो उन्हें ये होगा कि भाई ये टाइम कम से कम मैं मतलब मोबाइल फ़ोन पे तो ना लगाऊं ना, ये टाइम व्हाट्सएप की शक्ल देखने की बजाय बीवी या बच्चों की शक्ल देख लूँ। यानी एक साहब हैं जिनकी जॉब इतनी मसरूफ़ है, अब वो जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें भी वो मतलब यानी एक अगर कोई आप मुझे बताएं कि नमाज जो है, नमाज पढ़ना वो हमारी ज़रूरत है ना, हम क्या कोई ऐसी जॉब कबूल कर लेनी चाहिए जो हमारी नमाज की इजाज़त ही उसमें ना मिल पाए? आप कहें इतना बिजी हैं कि नमाज का तो उसमें मौका ही नहीं है, कोई भी नमाज नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि इन्हें कमाना होता है, कमाना ज़रूरत है। तो जब आदमी ये कहता, अगर मैं ये कहूँ कि एक साहब को एक ऐसी जॉब मिली है जिसमें उन्हें वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं है, सवाल समझ में आ रहा है? आपको एक जॉब करनी है 12 आवर्स की या 10 आवर्स की जिसमें वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं है, तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? हम कहेंगे, हम रीनिगोशिएट करेंगे, हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, ये तो मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी इजाज़त चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें कहा जाए पानी पीने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस। बिल्कुल इसी तरह एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बीवी बच्चों को वक्त देना मुमकिन ही नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहब्बत की कमी को, ताल्लुक़ की कमी को पैसे की ज़्यादती से मतलब पाटा नहीं जा सकता। बात वाजे हो रही है? यानी उसको तो बस इसको देखना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। फिर एक और चीज़ है, वक्त में बरकत की दुआ मांगनी है। फिर जो वक्त थोड़ा बहुत मिलता है उसको सही से इस्तेमाल करना है। फिर एक चीज़ ये भी है कि एक चीज़ तो यह है कि अगर नीड्स और वांट्स में वाज़े फ़र्क पैदा नहीं हुआ तो नीड फॉर अर्निंग कम नहीं हो सकती। मतलब कमाने की ज़रूरत उस वक्त कम होगी जब ज़रूरत और ख्वाहिश का फ़र्क मुझ पर वाज़े होगा। अगर मुझे ख्वाहिश ही मुझे अपनी हर ख्वाहिश ज़रूरत लगती है तो फिर तो मतलब बात वाजे हो रही है। तो अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह हम सबको ये हिकमत दे। तो कमाएं ज़रूर, बस कमाने को प्रायोरिटी ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ ना बनने दें, ठीक है ना?